मूल रूप से औरैया निवासी नौबस्ता थाने में तैनात कांस्टेबल की पत्नी कांस्टेबल को गैर महिला के साथ लखनऊ स्थित एक फ्लैट में पकड़ लिया। आपको बता दें कि गैर महिला के साथ पकड़े जाने के घंटों बाद चले हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, कांस्टेबल ने उप निरीक्षक का एक फर्जी आईडी कार्ड भी बनवा रखा था जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पत्नी ने कानपुर के नौबस्ता थाने में तहरीर देकर अपने पति पर कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि नौबस्ता मछरिया निवासी विजया राजे कांस्टेबल राजीव यादव की पत्नी है। उन्होंने अपने कांस्टेबल पति राजीव यादव को लखनऊ स्थित एक फ्लैट में किसी गैर महिला के साथ पकड़ा। आपको बता दें कि नौबस्ता मछरिया निवासी विजया राजे कांस्टेबल राजीव यादव की पत्नी है। उन्होंने अपने कांस्टेबल पति राजीव यादव को लखनऊ स्थित एक फ्लैट में किसी गैर महिला के साथ पकड़ा। इसके बाद घंटों मियां बीवी और गैर महिला के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, कांस्टेबल राजीव यादव का एक फर्जीवाड़ा भी सामने आया है। कांस्टेबल पद पर तैनात राजीव यादव ने उप निरीक्षक पद का एक फर्जी आईडी कार्ड भी बनवा रखा है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। पत्नी विजया राजे यादव का आरोप है कि उप निरीक्षक के फर्जी आईडी कार्ड से राजीव यादव एक साल से उगाही कर रहा है। इतना ही नहीं, कांस्टेबल राजीव को गैर महिला के साथ पकड़ने के बाद पत्नी विजया राजे ने नौबस्ता थाने में तहरीर देकर पति के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी जब कार्यवाही नहीं हुई तो पत्नी विजया राजे ने DSP साउथ दफ्तर पहुंचकर अपने कांस्टेबल पति की कारगुजारियों के शिकायत की और कार्यवाही की मांग की। वहीं इस पूरे प्रकरण पर एडिशनल DCP साउथ मनीष सोनकर ने कहा है कि कांस्टेबल की पत्नी ने शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी के संबंध में शिकायत की है जिसकी जांच ACP गोविंद नगर को सौंप दी गई है। तो वहीं पुलिस उच्च अधिकारी शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी के संबंध में जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन कांस्टेबल के उप निरीक्षक के फर्जी आईडी कार्ड के फर्जीवाड़े पर अधिकारियों की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा राजीव यादव कांस्टेबल के पद पे नौबस्ता थाने में तैनात है और मेरा उससे कुछ विवाद चल रहा था इस दौरान। जो सही है, कौन है राजीव यादव? मेरा पति है, कांस्टेबल के पद पे कार्यरत है नौबस्ता थाने में। क्यों आई थी, क्या शिकायत करने आई थी? उसने दूसरी शादी कर ली है। मेरी शादी को 15 साल हो गए, मेरा 13 साल का बेटा है और मैंने जो है उसको रंगे हाथ सरोजनी नगर में उसको पकड़ा हुआ है। एक 33 लाख का फ्लैट ले रखा है उसने, उसमें उसको रखे हुए है। उसको 2.5 साल का एक बेटा भी है। क्या चाहती हूँ? मैं न्याय चाहती हूँ। किस तरह का न्याय? क्योंकि वो सिपाही मतलब कि मैं PM सर से मैं बात उन तक पहुंचाना चाहती हूं कि ये सिपाही इतना भ्रष्ट सिपाही है कि अयाश टाइप का है, एक फर्जी आईडी भी बना रखी है SI की, जिससे वो काफ़ी लूट मार भी किए हुए है और काफ़ी प्रॉपर्टी उसने बना रखी है। किस तरीके की आईडी है वो? वो SI की आईडी है, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। फेक आईडी बना रखी है? हाँ, फेक आईडी बनाए रखी है और वीडियो भी उसके साथ में जो मैंने पकड़ा हुआ है उसका वीडियो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। किस पद पे तैनात है? सिपाही के पद पे, कांस्टेबल। आवेदिका श्रीमती विजय राजे यादव, पत्नी श्री राजीव यादव, निवासिनी मकान नंबर 22 है मछरिया रोड, थाना नौबस्ता ने DCP दक्षिणी महोदय के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि थाना नौबस्ता में तैनात हेड कांस्टेबल राजीव यादव ने शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी की हुई है। उनके इस प्रार्थना पत्र पर जांच ACP गोविंद नगर को आवंटित की गई है। जांच रिपोर्ट के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी।